आओ अंदर आओ। ये आपका बेडरूम है बाजी? हाँ अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है। आओ तुम लोग बैठो। अरे कैसे बैठ जाए ऐसे कमरे में? ऐसा कमरा सजाया उन्होंने, तुम्हारी तो एस्थेटिक सेंस में बॉम्बशेल गिरा होगा ऐसा कमरा देखकर। याद है तुमने क्या प्लान किया था अपने वेडिंग रूम के लिए? कैंडल्स, वाइट लिलीज। नाजिया वो फैंटेसी थी, ये जिंदगी है। तुम भी ना आते शुरू हो जाती। चलो आओ बैठो। फिर भी यार ये जिंदगी तो नहीं, ये तो जुल्म है। लगता है बड़ी पुअर एस्थेटिक सेंस है तुम्हारे ससुराल वालों की और तुम्हारे मियां की भी। अरे उनका कमरा था, इस चीज का ख्याल उन्हें होना चाहिए था कि चीजें कहाँ पड़ी हैं, कमरा कैसा सजा होना चाहिए, कोई बंकर थोड़ी ना है। बाजी ने कौन से यहाँ पे रहना है, इन्होंने तो मंसूर भाई के साथ रहना है और वैसे भी आर्मी वालों का बहुत खूबसूरत घर मिलते हैं। ठीक है ना बाजी? ये मेरी छोटी नंद है हफ्सा। हाँ जानती हूँ कि ये तुम्हारी छोटी नंद है। क्या कर रहे हैं आप? मैं मैट्रिक में हूँ। कौन से सब्जेक्ट्स में? साइंस या आर्ट? आर्ट्स में। अच्छा शहवार तुम मंसूर भाई के साथ कब शिफ्ट हो रही हो अपने घर में? अभी कहाँ जाएंगी शहवार बाजी, अभी तो शादी की कई रसूमात बाकी हैं। फिर सैर तफरी के लिए भी जाना है और फिर हमारी तरफ भी आएंगी, फिर जाकर खालियां शिफ्ट होंगी। अभी पूरा एक माह बाकी है। अरे हाँ तुमने अपना सारा सामान यहाँ क्यों मंगवा लिया? मेरा मतलब है कि पहले सारा सामान लाहौर से जेहलम आया और अब जेहलम से खारियां जाएगा, तुम्हारे तो सारे जहेज की टूट फूट हो जाएगी। हाँ ये बात तो मैंने भी सोची थी और अम्मी अब्बा का ख्याल है कि जहाँ ससुराल होना चाहिए वहीं पे जहेज होगा और वैसे भी जो चीजें बाजी को चाहिए होंगी वो साथ ले जाएंगी। शिवा क्या हुआ, क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं। अरे शहवार तुमने ये तो बताया ही नहीं कि मंसूर भाई ने तुम्हें मुंह दिखाई में क्या दिया। मेरा मतलब है अंगूठी दी, कंगन दिया या लॉकेट दिया, क्या दिया? 100 दिया। क्या 100 दिया? ये मेरा कमरा है। अच्छा काफी बड़ा है। इस घर के सारे कमरे ऐसे ही हैं। वैसे बड़े कमरों में मुझे घुटन महसूस होती है लेकिन चलो गुजारा करना पड़ेगा। अच्छी पेंटिंग है। मैंने बनाई है। अच्छा तुम पेंटिंग भी करती हो? पहली मुलाकात में बताया जो था